आस्था का महापर्व का आज आखिरी दिन है। आज जो व्रतियां हैं भगवान भास्कर को अर्घ देंगी, जिसको लेके पटना के मरीन ड्राइव में सारी व्रतियां गंगा नदी के अंदर खड़ी हैं। आप देख सकते हैं जितनी आपको यहां महिलाएं दिख रही है वो सारे लोगों ने छठ पूजा किया हुआ है, छठ का व्रत किया हुआ है और लगातार यहाँ पे जो भीड़ है वो बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इन लोगों की श्रद्धा है जो कम नहीं हो रही है। कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा? नहीं, ठंडा कैसे लगेगा? पूरा प्रशासन से खुश है इस बार सुविधा? हाँ, बहुत अच्छा सुविधा है। आप खड़ी है यहाँ पे इस बार क्या मन्नत लेके आई है? क्या कुछ मन्नत लेके आए हैं कि नया ससुराल सब बन रहे, खुश रहे, फिर अगले साल फिर आएंगे। कितने सालों से आप छठ कर रहे हैं? हम ज्यादा दिन से नहीं कर रहे हैं, हम 2 साल से ही कर रहे हैं। हर साल इंतजार आप करती हैं कि छठ माँ? हाँ, हर साल ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक रहे, कि फिर अगले साल फिर आए हम लोग। देख सकते हैं सारी महिलाएं हैं। कैसा जा रहा है छठ का पर्व आज आखिरी? अच्छा जा रहा है, आज आखिरी दिन है, फिर 1 साल इंतजार करता है। अच्छा ही जा रहा है, सूरज भगवान उगे ही गए, उगने वाले हैं, इंतजार हो रहा है बस उनका। कैमरा मिले कि हम बोले जी, तो जो भी है मन में बता दीजिए, कुछ गाना गा के सुना। नहीं नहीं, गाना उन्हें नहीं गा सकेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको पूरी महिलाएं जो है सारी व्रतियां हैं और सब यहाँ पे खड़ी है ताकि भगवान भास्कर को अर्घ दे सके। और लगातार पटना में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, उसके बाद भी कैसा लग रहा है? कितने देर से इंतजार कर रही है? अभी तो हम अभी आए किया है, 1 घंटा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसाद वरसाद पूरी तरीके से सब तैयार है? एकदम पूरे तैयार है, असुर भगवान के आशीर्वाद देख रहा है। अब जब इतने दिन का आपने सबसे कठिन उपवास कर लिया, कुछ महसूस हुआ या फिर भक्ति में? नहीं, नहीं कुछ महसूस नहीं हुआ, भगवान के अति ध्यान में है, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तक ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मरीन ड्राइव में पहली बार छठ मन रहा है? पहली बार? हाँ, पहली बार आया है। अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था? अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। काम कर रहे हैं ना? हाँ, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे उम्मीद, बाल बच्चा का जॉब भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। सूरज भगवान से यही गुहरा रहे हैं, घर परिवार सुखी सब? हाँ, सब सुखी रहे। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है और सारी व्रतियाँ खड़ी हैं और भगवान भास्कर के उदय होने का वेट कर रही है ताकि भगवान भास्कर उगे और उनके बाद ये अर्घ दे और घर जाके अपना निर्जला जो उपवास है वो खत्म करे। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं लेकिन बात करने से शर्मा रहे, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बताइए कैसा लग रहा है? व्यवस्था सब ठीक है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप आए हैं मरीन ड्राइव पहली बार, यहाँ छठ बन रहा है? हाँ। यहाँ का सारा सुविधा कैसा है? अच्छा है। चलिए लोग कहीं ना कहीं इस बार मरीन ड्राइव में छठ मना के खुश है क्योंकि पहली बार पटना के मरीन ड्राइव में छठ पूजा मन रहा है और मरीन ड्राइव की रौनक काफी ज्यादा देखने लायक है और काफी ज्यादा मनमोहक है। छठ माँ पर बिहार वासियों के मन के बहुत करीब है, इसलिए बिहार वासी कहीं भी रहे छठ में घर जरूर आते हैं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज पटना।